और हम पहुंच चुके हैं कैची धाम नीम करोली बाबा आश्रम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ था मैं इतने टाइम मैं बिज़ी था अपने मास्टर्स में, 2021 से लेके 2023 तक, जो कि अब ख़त्म हो चुका मास्टर्स एंड जॉब भी लग चुकी है अब मेरी। तो शायद वीडियोस अब आएंगे, और फ्रीक्वेंटली तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ वीडियोस आएंगे। ट्रैवल वगैरह मैं करूँगा अब। और क्या बोलूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं ना बोलने को, समझ नहीं आ रहा क्या क्या बताऊँ। तो बाकी सारी चीज़ें मैं अगले वीडियोस के लिए रख लूँगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो की बात करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ नैनीताल कैंची धाम। और पिछले एक साल में मैं ऑलरेडी 6-7 बार जा चुका हूँ कैंची धाम। वहाँ बेसिकली हम जाते हैं नीम करोली बाबा आश्रम में, और वहाँ बाबा का दर्शन करते हैं। तो ये एक दिन का ही ट्रिप होगा, इसीलिए मैं कन्फ्यूज था कि पता है कि मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, वेट करूँ किसी बड़े एक ट्रिप का जो 6-7 दिन का जो एपिसोड्स में मैं अपलोड करूँ, और वहाँ से शुरू करूँ वापस से रेज्यूम करूँ यूट्यूब। बट फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बना लेते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अपलोड करना है या नहीं। लेट्स सी कैसा रहता है ये ट्रिप। आई एम वेरी श्योर कि बहुत बढ़िया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यू नो व्हाट टू डू, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं फाइनली नहा के तैयार हो चुका हूँ, और बाकी लोग को भी उठा दिया मैंने, और तैयार हो चुकी है हमारी मैगी भी। अब जल्दी से इसको खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हमारे निकलने का प्लान था 5 बजे के पहले पहले, और अभी टाइम हो रहा है 3:41। तो आई एम वेरी श्योर 5 बजे के पहले हम निकल जाएंगे। सो गाइस, फाइनली पार्किंग में पहुंच चुके हैं, ये रही गाड़ी, और जल्दी से अब पहले चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं। तो गाइस, अभी ये एक बॉटल पानी ले लिया है, एक्चुअली वाइपर में पानी ख़त्म हो चुका है, तो इसमें भरते हैं यहाँ। तो गाइस, अब गाड़ी में आ चुके हैं, और ये मैप लगा लिया है, मैप टाइम दिखा रहा है 7 घंटे 341 किलोमीटर्स के लिए। तो देखते हैं 11:30-12 तक हम पहुंच जाएंगे बेसिकली, और कोशिश करेंगे कि इससे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही जल्दी वहां से फिर निकल पाएंगे हम, और फिर घर जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आजकल गाड़ी काफ़ी कम माइलेज देने लग रही है, और ये 392 किलोमीटर्स के लिए जो लास्ट था वो था 10.5, जो कि बहुत कम है। पहले ये 13 के आसपास की दे दे रही थी, बट अब पता नहीं, शायद 45,000 वाली सर्विसिंग आने वाले, तो इसके कारण शायद ये अभी कम हो गया, और इसके बाद अगर बढ़ेगा तो मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगा। तो अभी सबके आने का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो लोग आ जाते हैं फिर हम यहाँ से निकलेंगे, मिलते हैं उसके बाद। सो गाइस, टाइम हो रहा है 5:01, और हम निकल चुके हैं। तो एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो फ्यूल स्टेशन होगा, वहाँ पे डीजल फुल कराएंगे और फिर आगे निकलते हैं। गाइस, फाइनली यहाँ पे 4500 का डीजल ले लिया है। चलो धन्यवाद। तो टैंक फुल करा लिया है, 4500 का आया है और 50 लीटर आया है। तो अब चलते हैं यहाँ से, ट्रिप जीरो कर लेता हूँ। ट्रिप ए जीरो कर लिया था घर पे, ट्रिप बी यहाँ जीरो कर लेता हूँ। सो गाइस, अब हम एंटर कर चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये देहरादून और हरिद्वार के लिए भी यही जाता है, बट यहाँ से हम आगे से लेफ्ट की तरफ एक टर्न ले लेंगे, जो कि हापुड़ की तरफ जाता है। टाइम हो चुका है अभी 6:45, और 117 किलोमीटर से हम आ चुके हैं, और गाड़ी ने एवरेज दिया अभी तक 19.3 का, और अब बाकी है 225 किलोमीटर, और 5 घंटे के आसपास लगेगा। और अभी हम रुके हुए हैं ये ग्रैंड जलमल ढाबा। तो यहाँ पे एक वॉशरूम ब्रेक लिया है, और देखते हैं अंदर जाके मम्मी पापा को कुछ चाय वगैरह पिला देते हैं, और अगर कुछ खाने का बढ़िया होगा तो खा भी लेंगे। भाई, वॉशरूम से आके यहाँ पे चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय के बाद हमने ऑर्डर करा ये आलू पराठा, और साथ में ये अचार, और एक वेज सैंडविच, मतलब एक तो नहीं, बेसिकली 4 वेज सैंडविचेस थे।
और अभी ये टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लग रहा है। ये दिख तो बढ़िया रहा है, खा के बताते हैं। ठीक है, तो खाना खा लिया और आलू पराठा सही था। और अब ज़रा चलते हैं, एक तो नींद पूरी नहीं हुई है यार। पिताजी यहाँ पे पोज कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताना भूल गया मैं, ये मेरे सैलरी के बाद का ये फर्स्ट ट्रिप है जो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो हर एक जगह पे खर्चा मुझे करने का मौका मिल रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और अभी भाई पोज करे तो मैं ज़रा एक फ़ोटो खींच लेता हूँ और फिर आप उसे मिलता हूँ। और जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं, बस जल्दी से कवर करना है। अब लगता नहीं है 11 बजे तक पहुँच पाएंगे, तो होपफुली 12 एक बजे तक पहुँच जाएंगे। तो गाइज अब मैं आ गया हूँ पीछे और 224 किलोमीटर और रहता है। और जो मैं बता रहा था आपको सुबह में कि मैं सोया नहीं हूँ सारी रात, तो अभी मैं सोऊंगा पीछे और जितना पाई चला सकते उतना पाई चलाएंगे, उसके बाद मैं चला लूँगा उठने के बाद। बस यही है, मिलते हैं आपसे सोने के बाद। हाय गाइस, सो अभी मैं सोकर उठा और 3 घंटे का और रास्ता बाकी है और 102 किलोमीटर्स बाकी हैं। तो गाइस अभी 30 किलोमीटर और रहता है और नैनीताल हम बस पहुंचने वाले हैं, मतलब कैची धाम नैनीताल। तो आई गेस अराउंड 20 किलोमीटर्स होगा, 15 से 20 किलोमीटर्स। और बस हम उसके बाद कैची धाम के लिए वहां से 15 किलोमीटर और। और अभी मैं यहां पे रुका हुआ हूँ ये आपको नज़ारे दिखाने के लिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मिस्टी मौसम अभी हो रखा है, ये देखिए मस्त। ये रहे मम्मी पाई, ये रही गाड़ी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई है। और ये रहा मौसम, मौसम में ठंडी कुछ खास है नहीं। फोटो चलो चलो भाई, जब हम निकलते हैं यहाँ से, हाँ देख लिया, तब हम निकलेंगे यहाँ से और जल्दी से पहुँचते हैं। और इतनी मशक्कतों के बाद फाइनली टाइम हो रहा है 1:40 और हम पहुँच चुके हैं कैची धाम नीम करोली बाबा आश्रम। प्रसाद ले लिया हमने इधर से, जितनी बार आता हूँ कुछ ना कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी चेंजेस, और वो भी अपने आंखों के सामने होते हुए देखिए। मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ करीबन 2017-18 से, और तब से ही ये चेंज आगे से बंद है। गाइस दर्शन हो गए, टाइम बज रहा है 2:10 और अब यहाँ से निकलना है हमें दिल्ली के लिए। जितनी जल्दी पहाड़ उतर जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम घर की तरफ पहुँच सकते हैं। अब रास्ते में बस एक या दो जगह ही रुकना है, वॉशरूम ब्रेक होगा और एक खाने के लिए ब्रेक होगा। सो गाइस गाड़ी में पहुँच चुके हैं और बाकी लोग वहीं मंदिर के पास इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ से गाड़ी लेकर जाऊँगा और उन्हें फिर बिठाऊँगा। और अभी मैप वगैरह लगाया है नहीं, बट मुझे लगता है 2:30 तो मैं घर पहुंचूंगा लगभग 12 बजे के आसपास, डिपेंडिंग कि कितना टाइम लगता है खाने में। तो अब निकलते हैं जल्दी से और बाकी लोगों को बैठाते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं, मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काठ गोदाम,
तो हमारे पास ना बेसिकली दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक तो होता है, हाँ जी, तो एक तो होता है बाजपुर होके, जो कि जंगल के बीच से रास्ता आता है, और उसमें क्या होता है कि पहाड़ का रास्ता कुछ ज़्यादा लंबा होता है, अराउंड 45-50 किलोमीटर्स। और एक दूसरा जो रास्ता होता है ये हल्द्वानी काठगोदाम वाला, इस रास्ते में क्या है कि इसमें काफ़ी कम पहाड़ है और ये ज़्यादा बिजी रूट एक तरह से आप देख सकते हैं। तो हम आए थे बाजपुर होके, वो जहाँ पे 50 किलोमीटर्स पहाड़ की होती है, और फिर उतरते टाइम हमने सोचा कि जल्दी से पहाड़ से उतर जाते हैं और हाईवे पे आ जाते हैं, तो इसलिए हमने ये वाला रूट ले लिया। तो आप देख लेना, आपके लिए जो भी प्रेफरेबल हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो अभी हमारा घर है वो अराउंड 6.5 घंटे 307 किलोमीटर है, और एस्टिमेटेड टाइम है 10:17, जो कि लेट होगा आई नो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी खाना खाने के लिए रुकना है हमें, बट देखते कब तक पहुँचते हैं। तो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रपुर सिटी से थोड़ा सा आगे, अभी जस्ट क्रॉस किया है, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, गाड़ी में सब ऑलरेडी सो चुके थे, मैं ही चला रहा था, तो फिर मैंने ये देखा दालचीनी ढाबा करके। तो एम्बियंस वगैरह अभी तो मतलब बाहर से देखने में काफ़ी सही लग रहा है, बाकी अंदर चल के देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा, फिर उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। गाड़ी यहाँ पर लगा दी है मैंने, और आपको होटल दिखाता हूँ, मतलब रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा रेस्टोरेंट, शराब पीना सख्त मना है भाई। और यहाँ है वॉशरूम, हो रही गाड़ी, और ये रहा ये मेन हाईवे। अब चलते हैं और खाना एक बार चेक करते हैं। तो गाइस, क्योंकि ये पहली बार हम इस रेस्टोरेंट में आए थे, तो हमने सबसे पहले ऑर्डर करा है एक हॉट एंड सार सूप, 1/2 1/2 कर लिया, और साथ ही एक करा है मशरूम चिली। तो एक बार टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसा था खाना, और उसके बाद आगे ऑर्डर करेंगे अगर ऑर्डर करने लायक होगा तो। क्विक अपडेट गाइस, खाना बहुत ही टेस्टी था, तो हमने बहुत सारी चीज़ें और ऑर्डर कर ली, और अब हम पेट भर के खाने वाले हैं। और यस, आई कैन से दैट यू कैन विजिट दिस प्लेस, अगर आप रुद्रपुर वाले एरिया से गुजर रहे हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। अभी हम हापुड़ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर है, अभी जस्ट गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस किया है, और टाइम हो रहा है, यार घड़ी मैंने उतार दिया, टाइम हो रहा है 8:25, और कितने किलोमीटर्स, 121 किलोमीटर और बाकी है, और अब टाइम आ चुका है 10:52 एस्टिमेटेड अराइवल। देखते हैं, एक तो खाने के बाद इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, बट फिर भाई को भी नींद आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं ही चला लेता हूँ, पर फिर जब नींद बहुत ज़्यादा आने लगी तो फिर मैंने एक कॉफ़ी ख़रीदा, मोका फ्लेवर था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था स्ट्रॉन्ग होने के कारण, फिर उसके बाद से जो नींद भागी, अभी लगातार आई गेस 140 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था वो कॉफ़ी पीने के बाद, और एक बार भी नींद जैसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो मेरे बॉडी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, तो मैं जब भी लेता हूँ कॉफ़ी तो मेरी नींद बिल्कुल उड़ जाती है, आई गेस मतलब अराउंड 5-6 आवर्स डिले हो जाती है मेरी नींद अगर मुझे आ रही होती है तो ये मुझे ड्राइविंग के टाइम पे फ़ायदा दे देता है। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए थे 11 बजे के आसपास उस दिन, और उस दिन इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज ये दूसरा दिन है, अभी 17th ऑफ दिसंबर है, और उस टाइम सितंबर के लास्ट वीक में गए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि आई एम नॉट श्योर कि मैं वो अपलोड करूँगा या नहीं, तो फाइनली मैंने सोचा कि कोई बात नहीं अपलोड कर ही देता हूँ, और अभी जस्ट एडिट किया, सुबह के 7:00-6:00 के आसपास एडिट करने बैठा था, सुबह के 7:00, और दो चीज़ें जो बताना चाहता था मैं उस वीडियो में, फर्स्ट कि टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ी चली थी वो थी 740 या 50 किलोमीटर्स के आसपास, और जो टोटल माइलेज जो हमें मिला था वो था 15. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ये कितना था, बट 15+ था, 15 KMPL, तो काफ़ी सही ट्रिप था। और उसके बाद एक बार और मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ कैचीधाम, और प्लान कर रहा हूँ कि हाँ शायद इस मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जाऊँगा। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको पसंद आया हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, कमेंट कर सकते हो, शेयर बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है,
एंड सजेशंस देने हो तो बिल्कुल दे सकते हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू.